क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 एंड आफ्टर 5 years दे विल बी इन द रेशियो ऑफ 5:6 फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एजेस रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो है वो 14 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे तो नो प्रॉब्लम, उन सभी क्वेश्चन के जो लिंक्स हैं मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां जाके वो सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन हम ऑलरेडी स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, हम इसको डायरेक्ट इसका सोल्यूशन जो है वो देखते हैं। द प्रेजेंट एजेस ऑफ A and B are in the ratio of 4:5. Present ratio जो है वो हमें पता है, तो हम इनकी present age जो है वो assume कर सकते हैं। Present age of A's present age यहां पे ऐसे, और B's present age, present age। अब देखिए जिस ऑर्डर से उसने दिया है उसी ऑर्डर से, ए एंड बी 4 और 5। ये देखिए ये रेशियो है, ये एज नहीं है, लेकिन हमने एज लिखा है तो इसलिए हम इसको साथ एक्स का वेरिएबल लगा देते हैं, क्योंकि हमें रेशियो का पता है एज का पता नहीं है। आगे देखिए आफ्टर 5 years, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि जब हम पास्ट एज की बात करते हैं तो माइनस करते हैं, जब हम फ्यूचर एज की बात करते हैं तो प्लस करते हैं। आज मैं 20 साल का हूं तो 5 साल पहले मेरी एज कितनी थी, 15 साल थी, 5 माइनस किया। आज मैं 20 साल का हूं तो 5 साल बाद मेरी एज कितनी होगी, 25 साल, 5 हमने क्या किया, ऐड किया। यहां पे देखें पास्ट है या फ्यूचर है, आफ्टर 5 years फ्यूचर एज की बात हो रही है तो 5 हमने क्या करना है, प्लस करना है। दे विल बी इन द रेशियो ऑफ 5:6, आफ्टर 5 years तो 4x प्लस 5 करेंगे, है ना, ऐसे 5 साल, और इनकी रेशियो भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर इसकी एज में 5 साल जुड़े हैं तो 5x में भी, बी की एज में भी 5 साल जुड़े हैं, दे विल बी वो हो जाएंगे 5 साल बाद वो हो जाएंगे, उनकी रेशियो क्या हो जाएगी, 5:6 हो जाएगी। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम जो है वो आंसर भी मालूम कर लेंगे। 6 को इधर मल्टीप्लाई करें, 5 को इधर मल्टीप्लाई करें, तो करें 24x प्लस 30 इज इक्वल टू 25x प्लस 25। 24x माइनस 25x इधर आके हो जाएगा, ये 25 है, 30 इधर जाके माइनस का 30 हो जाएगा, तो ये माइनस का x बचेगा और ये माइनस के जो है वो 5 बचेंगे, माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 5। 5 हमारा आंसर नहीं है, देख लें 5 हमारा आंसर नहीं है। हमने कैलकुलेट क्या किया है और हमने कैलकुलेट करना क्या था, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, ए की प्रेजेंट एज हमने क्या ली थी, 4x, जबकि हमने सिर्फ अकेला x की वैल्यू मालूम की है। तो 4x में अगर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, एज प्रेजेंट एज निकल के आ जाएगी, तो ये हमारा आंसर क्या होगा, 20।